परशुराम घाट शुरू हुई है, शोभा यात्रा परशुराम घाट शुरू हुई है, परशुराम घाट से नहर का पुल आगे जाते हुए शोभा यहाँ से होते हुए उधर क्या गया उसका विश्वकर्मा चौक पे जाएगी, उसके बाद फिर यहीं पर आएगी मीटिंग में समापन होगा। देखिए ऐसा है, हमें बहुत अपने आप पर बहुत गर्व है कि हम परशुराम के वंशज हैं, हमें बहुत खुशी होती है कि हम परशुराम के वंशज हैं, भगवान परशुराम की जय। और युवाओं के लिए यही है कि अपने 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 कार्य में लगें, अच्छे कार्य करें, कभी किसी का बुरा ना करें। परशुराम भगवान ने भी कहा है कभी किसी का बुरा ना करें, और जो हमारा बुरा करता है उसका सर्वनाश कर दें। देखिएगा आज ये जो जन सैलाब उमड़ा वो देखने को मिल रहा है कि सब समाज ने हमारी शोभा यात्रा को समर्थन दिया, पर भगवान परशुराम सबके रास्ते हैं, सबके भगवान माने जाते हैं। तो आज जो ये आपको सैलाब दिखाई दिया वो हिंदू सनातन धर्म का सैलाब है, वो एक बिरादरी का नहीं, सारी बिरादरी इसमें 36 बिरादरी में शामिल हुई, तो वो उनका सैलाब है। युवा जो है अब धार्मिक चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, अपना आध्यात्मिक तक और जा रहा है, अपने धर्म को मानने लगा है। आज इसका बड़ी चाहिए देखिए कि कितना युवा हमारी शोभा यात्रा में सम्मिलित हुआ है। बड़ी धूमधाम से निकाली जा रही है, सभी गांवों में, सभी और बिरादरियों में भी, 36 बिरादरियों में सबका सहयोग मिल रहा है, और बड़ी धूमधाम से जो है ये शोभा यात्रा निकल रही है, क्योंकि भगवान परशुराम जी हमारे हनुमान जी की तरह चिरंजीवी हैं, और ऐसा लग रहा है कि साक्षात वो हमारे साथ जुलूस में भी चल रहे हैं। जय हो दादा भगवान श्री परशुराम जी की। देखिए हमारे आराध्य भगवान श्री परशुराम जी की शोभा यात्रा आज रुड़की में पूरे हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, बहुत ही हर्ष का विषय है। पूरा रुड़की और क्षेत्र के भारी संख्या में यहाँ पे युवा और बुजुर्ग पहुँचे हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है।